नमस्कार जी, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे जो लेजर लैंड लेवलर है, जो कि समतल करने वाली मशीन, कंप्यूटराइज मशीन होती है। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि खेत समतल होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम उसमें फ़ायदे गिनाएंगे, क्योंकि आज का दौर कंप्यूटराइज खेती से ही है, क्योंकि बिना कंप्यूटराइज खेती होने से फसल भी अच्छी नहीं होती। अभी मान लीजिए कि हमने, हमारा कोई ऊबड़ खाबड़ खेत है, ऊंचा नीचा खेत है, कि जैसे अब ये खेत है और हल्का सा इसमें ऐसे करके ये ढाल है, ठीक है, ये ढाल है और इसमें करीब 2 फीट का है अंतर। अब ये 2 फीट का अंतर है और है सब ढाल, लेकिन जब हमारा पानी चलता है तो इस साइड के लिए तेज भागता है, इस साइड के लिए भागेगा तेज, अच्छा, और यहाँ आके इस पानी का ठहराव हो जाएगा। ये पानी यहाँ आके ठहर जाएगा। तो अब क्या है इसमें, अगर ये मिट्टी रेतीली है, देखो अगर मिट्टी रेतीली, अभी ये दोनों चीज बताएंगे हम, और यदि चिकनी, या काली मिट्टी है, अगर ये खेत आपका रेतीली मिट्टी का है, तो अगर यहाँ ऊपर से ये पानी ढरक के आ गया तो इसमें आपका ये समझ लो कि नुकसान ही नुकसान है। अब किसान क्या सोच लेता है कि भाई हमारा खेत एकदम से मतलब भराई हो जाती है, जब हम सींचने जाते हैं खेत के लिए, सिंचाई करने जाते हैं, तो कि उसकी जल्दी भराई हो जाती है। भाई जल्दी नहीं होती, जब आपका ये ऊबड़ खाबड़ और ढाल खेत है, तो मान लीजिए अगर ये पानी चल के आया यहाँ, तो कुछ ठेकर आपकी ऊंची भी होती हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वो एकदम से बिल्कुल एक्स्ट्रा ढाल में हो, कहीं ऊंची भी होती है, कहीं डाउन भी होती है। अब पानी आया यहाँ से, चालू हुआ तो पानी ऐसे भाग गया, ऐसे भाग गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, अब ये ऊंची ऊंची जो ठेक हैं वो छिक गई, है नहीं? तो अब छिक गई तो अब क्या है भाई, आप इन जगह को छोड़ तो सकते नहीं। अब देखना गौर से, यहाँ पे आपकी जो आपने तो ये सोचा कि भाई पानी हमारा मतलब जल्दी भराई हो रही है खेत की, या जो सिंचाई हो रही है जल्दी हो रही है, जल्दी नहीं हो रही भाई साहब, इसमें 2 काम बहुत गलत हो रहे हैं। अगर हम पानी की ही बात करें, और भी बात बताएंगे आपको, देखो एक तो पानी का जो मतलब दोहन हो रहा है, जो मिसयूज हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है। क्यों? कि ये पानी ढड़क के सब यहाँ आ गया, यहाँ जो आपका झील टाइप है यहाँ आ गया सब पानी, और ये जगह छूट गई आपकी। अब आपको भरनी भी ये है, तो आप यहाँ कुछ ना कुछ बंद लगाओगे जिससे पानी यहाँ, अब देखो पहले जो पानी यहाँ से चला वो यहाँ आके रुक गया, उसके बाद आपने इसमें रोक लगाई, तो अब ये पानी यहाँ रुक गया, फिर धीरे 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 इस पर आया पानी, फिर ये आ गया, फिर आपने यहाँ थामा, तो कितनी देर होगी यहाँ पे। अब जब ये पूरा इसका जो लोड ज़्यादा पानी का हो गया, तो यहाँ से टूट गए एकदम से, और ये पूरा कुंड भर गया यहाँ। तो अब देखो, अब इसमें जो आपके फर्टिलाइजर या जैविक खाद या देसी खाद, जो गोबर की खाद होती है, वो जितनी भी मतलब आपने तो पूरे खेत में डाली, लेकिन वो पानी के बहाव के कारण यहाँ आके रुक गई भाई, यहाँ आके रुक गई। अब एंड में जैसे मान लीजिए 1 बीघे में आपका 1.5 या 2 क्विंटल का एवरेज आया, या मतलब
ऐसे खेत में 2 क्विंटल का तो एवरेज आने का कोई सवाल है बनता ही नहीं है। मान लीजिए 1 क्विंटल का एवरेज आ गया, तो वो एवरेज आपके खेत का ना आया। अगर रेतीली मिट्टी है तो वो चीज़ जो सब यहाँ आ गई, पानी भी यहाँ आ गया, भाई इस जगह को तो पूरा भरपूर जो भी तुम्हारा फर्टिलाइज़र है या गोबर की खाद है, देसी खाद, जैविक खाद, जो भी आपने डाला है, वो चीज़ यहाँ आकर ठहर गई और पानी भी ठहर गया। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तो वो जो एवरेज आया ना 1 क्विंटल का, जो ये जो 1 क्विंटल का एवरेज जो आया वो यहाँ का नहीं आया, केवल इतने बीच का आया। भाई वो पानी वानी सब बह के जो यहाँ आया, अब जैसे स्टार्टिंग में गेहूँ तो बहुत अच्छे जमे है नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब उस फसल को आप काटो, मान लीजिए गेहूँ काटो, तो ऊंची सतह के जो गेहूँ होते हैं वो बिल्कुल जीरा की तरह बहुत बारीक बारीक महीन महीन होते हैं। तो यहाँ एवरेज नहीं आया, पूरे खेत का जो एवरेज जो 1 क्विंटल के हिसाब का दिया, अभी मान लीजिए 4 बीघा खेत है आपका, 4 बीघा खेत में 4 क्विंटल ही हुए हैं, 4 क्विंटल गेहूं आपके 4 बीघा खेत में हुए, तो अब देखिए वो पूरे खेत का नहीं आया। भाई मान लीजिए 4 बीघा में 4 क्विंटल हुए, अब ये करीब 1.5-2 बीघे जमीन जो है आपकी यहाँ तक, तो ये जो 4 क्विंटल गेहूँ है वो इसमें आए, यहाँ का कोई एवरेज नहीं है, कोई गिनती नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो फर्टिलाइज़र जो भी माल था वो सप्लाई होकर यहाँ आ गया। और इस यही जब मान लो डोज पूरी भरपूर और ज़्यादा मतलब NPK या DAP जो आपने दी, जो इसके पोषण तत्व हैं वो यहाँ से उठ के सब यहाँ आ गए। अगर रेतीली मिट्टी थी आपकी तो इस फसल ने ही आपको मतलब इतनी ज़मीन ने ही आपको एवरेज दिया। अब अगर ये तुम्हारी चिकनी मिट्टी होती, देखो अब अगर तुम्हारी चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी पक्की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी होती, तो अगर ये ऊपर से बहाव होके यहाँ भर जाता पानी, ठीक है, कंडीशन वही है। अब ये रेतीली को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भाई रेतीली थी जबी तो इसने नीचे पानी भर गया, जबी तो इसने एवरेज दिया, क्योंकि रेतीली मिट्टी को अगर थोड़ा ओवर पानी भी लग जाए, ओवर सिंचाई भी हो जाए, तो उसकी फसल पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इस मामले में रेतीली मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो फायदेमंद होती है। अब देखो अब ये चिकनी है, चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी जो भी आपकी है, अब यहाँ से कंडीशन वही है, जब यहाँ से चल के पानी आपका आया तो वो यहाँ तक ठहर गया। भाई वो पानी आपका यहाँ तक आके ठहर गया। और देखो पक्की और चिकनी मिट्टी जो होती है उसका कारण ये है, अगर पानी ज़्यादा भर जाए तो वो फसल ही नष्ट हो जाती है वहाँ से। अब इसका एकदम विपरीत हो गया, विलोम हो गया जी, मतलब रेतीली में जहाँ पानी ज़्यादा आया था वहाँ तो उसने एवरेज दिया, लेकिन अब अगर चिकनी मिट्टी है ये, तो अब जैसे ये पूरा बहाव यहाँ आ गया, तो जो फर्टिलाइज़र जो जैविक खाद या जो गोबर की खाद आपकी इसमें बह के यहाँ आ गई थी, तो वो पानी ने चिकनी मिट्टी में, मैंने बताया ना आपको, चिकनी मिट्टी में अगर जल ठहराव हो जाए तो वहाँ की जो फसल है उसका सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बार बारिश हो जाए या खेत में सिंचाई ज़्यादा हो जाए तो मतलब 2-3 हफ्ते पानी नहीं सूखता उसका, तो उससे फसल को नुकसान भी होता है। अच्छा अब ये जो यहाँ की फसल है, ये जो पानी यहाँ भर गया, भाई फर्टिलाइज़र यहाँ का उठ के यहाँ आ गया बह के, उसमें तो ये है कि भाई चलो पोषण तत्व दूना हो गया उसका, लेकिन पानी ने सबकी मिट्टी पलित कर दी, जो रेड मार दी वो पानी ने मार दी उसकी। अब क्या है देखो, अब जैसे ये आया यहाँ पानी आ गया, ठीक है, अब ये 1 महीना तक पानी नहीं सूखा और ऊपर से चल गई हवा, तो ये जो भाई जो चिकनी मिट्टी में फसल है वो तो ढह गई सब,
जो पोषण तत्व था ना उसका सत्यानाश हो गया, अब ये बची ऊपर। तो चिकनी मिट्टी में जितनी उपजाऊ क्षमता थी उसने तो उसको दिया, बाकी ये तो चौपट हो गई। अब जो एवरेज आएगा वो एवरेज इसमें नहीं आएगा, वो एवरेज इसमें आएगा। भाई ये दो कुंटल का स्तर का भी कर सकती थी, लेकिन हमने जो फसल बोते समय जो पोषण तत्व इसको दिए थे वो जल के बहाव से यहाँ आ गए। अच्छा, फायदा यहाँ भी होता, लेकिन वो जल बह के जो यहाँ आ गया उस जल ने उसका सत्यानाश कर दिया। तो ये है चीज़। अच्छा, अब देखो ये तो बता दी मैंने जो, जैसे अब सोच तो लिया हमने क्या भाई जल्दी सिंचाई हो जाती है, जल्दी नहीं होती और बल्कि देर में होती है सिंचाई। क्यों? क्या इतना पानी का जो दोहन जो बेकार वेस्ट जा रहा है जो हमारी हमारी फसल को भी नुकसान देगा, तो उसका कारण बनता है ये। अब देखो, अब आ जाओ इस पर, क्या अब मान लीजिए ये खेत हमने समतल करवा लिया, अब देखो इसके फायदे क्या हैं। क्या ये खेत है हमारा, ठीक है, ये हो गया जी समतल। अब ये खेत हमारा पूरा समतल हो गया, ये खेत समतल है हमारा। अब देखो इसमें फायदे क्या क्या हैं कि जहां हमने फर्टिलाइजर डाला वो वहीं पड़ा है। क्यों? कि जब जीरो लेवल कंप्यूटराइज खेत हो जाता है तो पानी एक मतलब जो है एक तो जोर नहीं मारता आगे के लिए, ना बहाव होता है। जैसे मान लीजिए 2 या 2.5 इंची हिसाब से वो पानी धीरे 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 चैटी की या कछुए की चाल वो आराम से सब में फैलते हुए चलता है। तो जहां आपके पोषक तत्व पड़े हैं या जो फसल का जो बीज है वो पड़ा है या जो भी आपने कुछ इसमें ताकतवर औषधि डाली है वो जहां है तहां की तहां है। अब देखो मान लीजिए आपने खेत को लेवल करवाते समय जितने पैसे आप लेवलिंग करने में दोगे ना उसे, वो आपकी जो छमाई की फसल है वो तो वही दे देगी आपको एडवांस में। भाई अगर मान लीजिए आपको 40,000 की इनकम होती है, 40,000 में आपके 20,000 ऐसे ही खर्च हो जाते हैं तो आपको बचे 20,000। अब अगर आपकी आमदनी डबल करनी चाहें, है नहीं है वो, जैसे सरकार भी कहती है कि किसानों की आय दोगुनी, तो अभी मान लीजिए अगर वो 20,000 का जो बेकार खर्चा हो रहा है आपका वो बच जाए तो फिर 40 के 40 आपको जाएंगे मिल, तो होगी ना डबल। तो वो ये, हालांकि पैसे भी कहीं से नहीं आए लेकिन जो हमारा पैसा या जो हमारी चीज़ें बर्बाद हो रही थी वो बर्बाद होने से रुक गई। तो ये फ़ायदा है उसमें। अब जो चीज़ हमारी जहाँ पड़ी है वो चीज़ वहीं की वहीं है। आए अब देखो, इसे फर्टिलाइजर दिया इस मतलब बीज के लिए, वहीं मिल गया उसे, पानी भी धीरे 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 चल रहा है। तो वो जो पहले खेत में ढाल दे के भाग रहा था पानी, फिर हम रोक के वो जो ऊंची ऊंची ठेकर थी टापू टाइप से, तो उन्होंने उसको हमने भरा। अब इसमें देखो, एक तो हमारी लेबर की हमें कोई आवश्यकता ना हुई के भैया रोको बंद लगाओ, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है भाई। जीरो लेवल खेत हो गया हमारा, अब तो धीरे 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 मस्त चाल से पानी चल रहा है। तो एक तो इसकी भराई, जो अगर आपका किराए से सिंचाई हो रही है आपकी तो उसमें भी फायदा होगा। क्या भले ही पहली सिंचाई के हिसाब से 2 घंटे कम लगें, आपके घंटे कम लगेंगे, एक तो 2 घंटे का फ़ायदा ये हो गया आपको। फिर जितनी हम हमारी फसल को पानी की ज़रूरत थी उतना सीमित हिसाब से हमें पानी मिला। क्यों? कि 2.5-3 इंची से ऊपर खेत में पानी नहीं बढ़ा, और वहाँ जब वो इकट्ठा हो जाता था उस ढालदार खेत में तो इतना इतना कुंड हो जाता था। भाई कुंड है तो उसे 2-4 दिन सूखने में लगेंगे नहीं, तो वो नुकसान होने से हमारा बच गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि समतल हो गया, अब ये जहाँ जो पोषक तत्व है वो वहीं रखा है और धीरे धीरे पानी चल रहा है।
पानी की सिंचाई का जो भाड़ा है वो भी 2 घंटे कम हो गया हमारा, एक तो फायदा हो गया ये। लेकिन जो पहले इतने में ही एवरेज आता था ना, अब वो एवरेज सब में आएगा भाई, सबको एक मात्रा में दी चीज। अच्छा, जहाँ रेतीली मिट्टी भी है आपकी, तो जब मिट्टी जो अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनने का कारण होता पानी, तो जब पानी पूरे खेत में ठहर गया, अगर रेतीली मिट्टी है आपकी और वो पानी ठहर गया, तो जितनी देर पानी ठहरेगा उस मिट्टी में उतनी देर मतलब बदलाव आएगा। तो ये भी फायदा है। तो समतल खेत होने से मतलब फायदे ही फायदे हैं। जितना हमने फर्टिलाइज़र लगाया वो वहीं का वहीं है, जो बीज था हमारा वो वहीं का वहीं है, पानी की जो सीमित हिसाब से लगना चाहिए वो लग गया, पानी ना वेस्ट गया ना फालतू हुआ ना कोई दिक्कत आई। तो अच्छा, फिर फसल की उपजाऊ क्षमता वो बढ़ी। भाई मान लीजिए ये दो आदमी खड़े हैं, एक आदमी कमज़ोर है एक ताकतवर है, या ऐसा है कि उससे छीन के खा जाता है, तो भाई मतलब ऊपर से तो माल दोनों को बराबर खाने को आ रहा है, लेकिन जो हल्का सा चालाक आदमी है वो उसने उससे भी छीन के खुद खा लिया। तो भाई जब वो बंदा डबल डोज खाएगा तो वो ताकतवर होगा, या जो जितनी डोज उसको आई है वो भी छीन गई उसकी, तो भाई वो तो सूखेगा, कमज़ोर होगा, ताकतवर तो दूसरा होगा। अच्छा, अब मान लीजिए घी खाने का या जो मेवा या जो ताकतवर चीज़ें शरीर को मतलब फ़ायदेमंद होती हैं, हर चीज़ का वही है कि अगर सीमित हिसाब से खाओगे तो, अब जैसे हमने उसका भी छीन के खा लिया डबल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नुकसान करती हैं, अगर घी हद से ज़्यादा खा लो तो दस्त हो जाते हैं। वो इस सिस्टम खेती का था कि जो चिकनी मिट्टी में जल भराव ज़्यादा हो गया तो वो फसल ही उसने नष्ट कर दी। तो ये है चीज़। तो अगर जितनी डोज जिसको मिली और जितने भी पूरे उसमें बढ़ती बढ़ती बराबर हिस्से में आई, तो सबका एवरेज एक जैसा ही आएगा। तो अभी आपने देखा कि तो जिन भाइयों ने खेत समतल नहीं कराए हैं वो भी अपने खेत समतल कराएं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ लेवलर नहीं होते, हालांकि होते हैं लेकिन कुछ किसानों को पता नहीं होता कि भाई यहाँ हमारे आसपास कोई लेवलर है भी या नहीं है, तो मैंने कई जगह, जैसे मेरे पास कॉल आई कि जी आपके कोई संपर्क की अगर आपके आसपास का है तो हमारे पास आप अपना लेबलर भेज दो, तो ऐसे ही। अच्छा, जैसे मेरी किसी लेबलर वाले भाई से कभी बात हुई होंगी तो मेरे पास उनका नंबर सेव है, तो मैं उनसे उनका संपर्क करवा देता हूँ कि भाई आप बात कर लो कितनी दूरी है और जो भी आपका है आप कर लो आपस में, तो उनका पास के पास में वो बन जाता है काम। अगर अपना काम, अगर आप लेबलर वाले हैं और अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं तो आप हमें अपना नंबर दे सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में किसी को आपकी जरूरत हो तो हम आपको बता दें कि आप वहां जाके उस काम को कर जाओ। अच्छा, और अगर किसी किसान भाई के लिए लेजर लेवलर नहीं मिल रहा अपना खेत लेवल करवाने के लिए, तो वो भी अपना नंबर हमारे पास नोट करवा सकते हैं, जिससे कि हम उनको उनके पास में जो भी लेवलर वाले हैं उनसे उनका संपर्क करवा दें, जिससे उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो और उनका काम आराम से और आसान हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन जो घंटी है उसे दबा सकते हैं, जिससे हमारा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो और लाइक डिसलाइक जो करना है वो करो, आपकी इच्छा है, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी रख सकते हैं आप। और अगर कोई चीज़ हम बता ना पाए हों, हमसे कोई चीज़ छूट गई हो, तो आप हमें कॉल करके आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य यही होता है कि जितना भी हो सके हम सामने वाले को संतुष्ट करने में सक्षम रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान, नमस्कार।